विलेज पुलिस स्टेशन। एक गांव में एक पुलिस स्टेशन था, उसमें विराट और रोहित नाम के दो कांस्टेबल्स थे। एसआई का नाम था महेंद्र सिंह। वैसे उस गांव में उन्हें कोई भी काम नहीं था। वे पुलिस स्टेशन में टीवी देखते हुए और बातें करते हुए वक्त गुजारते रहते थे, क्योंकि उस गांव में कोई भी जुर्म नहीं होता था। उस गांव के लोग इतने ईमानदार थे कि यदि सड़क पर कोई बटुआ मिल जाता तो उसे पुलिस स्टेशन में लाकर ईमानदारी से सौंप देते थे। एक दिन पोस्टमैन ने एक खत लाकर पुलिस स्टेशन में दिया। उसे पढ़कर महेंद्र सिंह बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया। क्या हुआ सर, क्यों इतने परेशान हैं? अरे इस गांव से पुलिस स्टेशन को हटा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यहां स्टेशन को स्थापित किए 30 साल हो गए, अब तक एक छोटा सा जुर्म भी रिकॉर्ड नहीं किया गया, इसीलिए हमें भी यहां से ट्रांसफर करने का हुक्म जारी किया है। सर मुझे एक आइडिया आया है, आज से हम इस गांव में जुर्म को बढ़ाते हैं, किसी भी बहाने केस बुक करते हैं सर, क्राइम रेट को बढ़ाते हैं, तब अपना ट्रांसफर भी रुक जाएगा और स्टेशन भी यहीं रहेगा, क्या कहते हैं सर? अरे वाह, क्या अकल पाई है तुमने। तुम राजनीति में होते तो अब तक खूब आगे जा चुके होते। ये प्लान अच्छा है, चलो। एक दिन दो किसान बात कर रहे थे। विराट और रोहित उनकी बातें सुन रहे थे। क्यों भाई रंगा, तुम्हारी लक्ष्मी मेरे खेत में रोज चरती है यार, उसे जरा काबू में रखो भाई। मुझे माफ करना दोस्त, उसे बहुत काबू में रखा फिर भी वो ऐसे चरती रहती है। अब उसे 2400 घंटे खूंटे से बांधने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ना ना यार, ऐसा ना करना भाई। कोई बात नहीं, वो बेजुबान जानवर है, मैं संभाल लूंगा। ये बातें सुनकर ये दोनों उनके पास गए। ए मिस्टर रंगा, योर लक्ष्मी इज अंडर अरेस्ट। कहाँ है तुम्हारी लक्ष्मी, बताओ? लक्ष्मी हमारी गाय है सर, गाय को क्या अरेस्ट करेंगे आप? तुम्हारी लक्ष्मी का पड़ोसी खेत में चरना कानूनन जुर्म है, उसे ट्रेसपासिंग इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी कहते हैं, आईपीसी सेक्शन 194/B/2AB+2² के अधीन 6 महीने की जेल की सजा है। आप दोनों को कोई आपत्ति ना हो फिर भी जुर्म तो जुर्म ही है, दिखाओ लक्ष्मी कहाँ है। यूं वे उस गाय को अरेस्ट कर ले जा रहे थे तो गाँव के लोग हैरान होकर देख रहे थे। गाय को जेल में डाला, फिर बुक में केस को दर्ज करके कंप्लेंट भी लिखा। ये देखकर महेंद्र सिंह ने उनकी पीठ थपथपाया और उन्हें प्रशंसा की। एक दिन रात को एक साइकिल पर जा रहे व्यक्ति को रोककर, मिस्टर साइकिल में लाइट कहाँ है? तुम साइकिल इतनी तेज चला रहे हो, किसी से टकरा कर वो मर गया तो? साइकिल को लाइट क्या है सर, वैसे भी साइकिल से टकरा कर कोई मरता है क्या? ड्यूटी कर रहे पुलिस ऑफिसर से बहस करते हो, ऊपर से मारने आते हो। तुम्हारे साइकिल पर ही नहीं, तुम पर भी केस बुक करना होगा, चलो पुलिस स्टेशन। इस तरह उसे और उसकी साइकिल को जेल में डाला। फिर से महेंद्र ने उनकी प्रशंसा की। इस तरह भिखारियों को, रेडी वालों को और उन सब पर केस बनाकर उन्हें जेल में डालने लगे। उस गांव से कुछ ही दूर में गुफा पर डाकू गब्बर सिंह अपनी टोली के साथ रहता था। उसके अनुचरों ने गांव में हो रहे इस जुल्म के बारे में उसे सब कुछ बताया। यह सुनकर गब्बर सिंह सोच में पड़ गया। उस दिन रात को अपने गिरोह के साथ आकर गांव में विराट, रोहित और महेंद्र सिंह के घर में बंदूक दिखाकर पूरा घर लूटा। लूटने के बाद सेल्फी भी लिया। अगले दिन अखबार में वो फोटो भी छपी। पुलिस के घर लूटकर उनके साथ सेल्फी लेते हुए गब्बर सिंह, ऐसा लिखा था। ये पढ़कर लोग हैरान हो गए। बाद में डाकिये ने आकर 2 लेटर देकर चला गया। एक लेटर खोला तो महेंद्र सिंह, इसे गब्बर सिंह ने लिखा है, कहकर पढ़ने लगा। मेरे प्यारे पुलिस मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं इतने साल इस गांव में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये मेरा गांव है, मुझे मेरा गांव वाले बहुत प्रिय हैं। आप लोगों की परिस्थिति जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। आपका ट्रांसफर रोकना हो तो यूं छोटे मोटे चोरी से बात नहीं बनेगा, इसीलिए मैं मैदान में उतरा। जहां गब्बर सिंह पैर रखे वहां पुलिस स्टेशन का होना जरूरी है। आपका गब्बर सिंह। बाद में दूसरा लेटर खोला और ये हेड ऑफिस से आया है, कहकर उसे पढ़ने लगा। इस पुलिस स्टेशन को हटा नहीं रहे हैं,
आप लोगों के ट्रांसफर को भी हमने रोक दिया है। गांव में इस बीच क्राइम रेट बढ़ गया है। हमें खबर मिली है कि गब्बर सिंह भी वहीं है। अब से जरा चौकन्ने होकर ड्यूटी करना, ऐसा लिखा था। ये सुनकर सब हे हे, हमारा ट्रांसफर रुक गया है, हे हे, अब हम यहीं रहेंगे, कहकर खुशी मनाने लगे। एक दिन एक ट्रक पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। उसमें गब्बर सिंह के द्वारा लूटे गए सारे सामान थे। उसे तीनों देखकर थैंक यू गब्बर सिंह, वी लव यू, कहकर चिल्लाने लगे। फ्राइड राइस। बुंदेलखंड नाम के गांव था। वहां मोहनलाल ने एक नया ढाबा खोला था। उस ढाबे का नाम था, अरे वाह, आओ भाई आओ, चाइनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, हर किस्म का खाना यहाँ मिलता है, कहकर आवाज लगा रहा था। उसी गांव का हेमंत नाम का एक चालाक व्यक्ति ढाबे पर आया। ढाबा तो बहुत शानदार है, खाना भी ऐसा ही होगा ना? अरे साहब, आप एक बार हमारा ढाबा में खाना खाकर तो देखिए, फिर आप ही कहेंगे। अरे वाह, वैसे आज का स्पेशल क्या है? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, देसी, सब है सब। मुझे फ्राइड राइस बहुत पसंद है, उसके साथ क्या दोगे? प्याज, नींबू, खीरा और उसके साथ थोड़े से कैरेट के टुकड़े देंगे साहब। तो प्याज, नींबू और कैरेट के चार्ज करोगे क्या? नहीं साहब, वो फ्राइड राइस के साथ फ्री है। ठीक है, फिर एक प्लेट फ्राइड राइस लेके आना। अरे साहब को एक प्लेट फ्राइड राइस देना। थोड़ी देर बाद वेटर फ्राइड राइस और प्याज लेकर आया। भैया एक किलो प्याज लेकर आना। एक किलो प्याज किस लिए? खाने के लिए, तुम्हारे मालिक ने कहा था कि फ्राइड राइस के साथ प्याज फ्री है। वैसे जब उन्हें कोई तकलीफ नहीं तो तुम्हें क्यों है? तुम ले आओ। एक किलो प्याज लेकर आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया है, कल मैं फिर आऊंगा, कहकर एक किलो प्याज लेकर वहां से चला गया। अगले दिन हेमंत फिर ढाबे पर आया। साहब, सुना है कि कल आप एक प्लेट फ्राइड राइस के लिए एक किलो प्याज लेके गए हैं, ये क्या है साहब? ये क्या, तुम्ही ने तो कहा था कि फ्राइड राइस के साथ प्याज, कैरेट, नींबू वगैरह सब फ्री है, अब क्यों बात बदल रहे हो? अच्छी तरह याद रखो, कस्टमर भगवान होते हैं। ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं साहब, मैंने कुछ कहा ही नहीं। आपको जो भी पसंद हो ऑर्डर करें। इस बार हेमंत फ्राइड राइस ऑर्डर करते हुए, भैया एक प्लेट फ्राइड राइस के साथ एक किलो कैरेट लेके आना। एक किलो कैरेट के टुकड़े? क्यों, सुनाई नहीं देता? जाओ ले आओ। उस दिन भी हेमंत एक प्लेट फ्राइड राइस का बिल भरकर एक किलो कैरेट ले गया। मोहनलाल ये सब देखकर दुखी हो रहा था। उसका बेटा भजनलाल, पिताजी अब दुखी क्यों है, ये मैं जानता हूँ, इस बार जब वो आएगा तो मैं जैसा कहता हूँ वैसे करना, कहकर उसके कान में कुछ कहा। अगले दिन हेमंत फिर आया। मोहनलाल का बेटा भजनलाल उसके पास जा बैठा। अरे तुम कौन हो जो मेरे पास आए बैठे हो? मेरा नाम भजन है, मैं भी तुम्हारी तरह कस्टमर हूँ, क्यों तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता? ठीक है, मुझे क्या है? अरे सुनो वेटर, अरे सुनो वेटर, कहा एक फ्राइड राइस, दो फ्राइड राइस। क्या दो फ्राइड राइस किस लिए? तुम्हें क्या, अगर वही माँ होती तो कहकर रोने लगा। अरे तुम्हारे माँ से मेरा क्या लेना देना? ठीक है चुप हो जाओ, दो नहीं तो तीन खाओ, तुम्हारा पेट है तुम्हारी मर्जी। अरे भाई वेटर, दो फ्राइड राइस लेकर आओ। थोड़ी देर बाद भजनलाल फिर रोने लगा। अब क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे दो प्लेट मंचूरिया और दो प्लेट नूडल्स चाहिए, कहकर रोने लगा। अब इसके लिए रोते हैं क्या? अरे भाई वेटर, इसे दो प्लेट नूडल्स और दो प्लेट मंचूरिया चाहिए, ले आओ। वेटर को देखकर, भैया बिल लेकर आना। वेटर बिल लेकर आया। मैं अभी वॉशरूम जाकर आता हूँ। जाओ, अब इसके लिए भी तुम मेरे से परमिशन लोगे? तब हेमंत बिल देखकर, ये क्या 2000, किस लिए भाई? मैंने तो एक प्लेट फ्राइड राइस खाया था।
आपने तो एक प्लेट फ्राइड राइस ही खाया था, पर आपके बेटे ने 9 प्लेट खाया था। मेरा बेटा? अरे वो मेरा बेटा नहीं है, वो बस मेरे पास आकर बैठा था। तब मोहनलाल आकर, क्या है, क्या हुआ? अरे कोई लड़का मेरे पास आकर बैठा, उसका पैसा भी मुझे भरने के लिए कह रहे हैं। तो आपके पास जो बैठा वो आपका बेटा नहीं है, पर ऑर्डर तो आप ही ने दिया था, है ना? अरे वो तो बस यूं ही। सर वो सब रहने दें, आपने ऑर्डर दिया था तो पैसे भी आप ही ने भरने होंगे। पास बैठे वाले लोग भी ये जानकर, हाँ हाँ बिल तुम्हें ही भरना होगा, हे मंथ डाउन डाउन, हे मंथ डाउन डाउन कहकर चिल्लाने लगे। बाप रे, पैसे नहीं दिए तो लगता है कि ये लोग पीटेंगे। यूं सोचकर 2000 रुपए भरकर वहां से चला गया। कैब ड्राइवर। एक बार अरुण लता नाम के पति पत्नी रोड पर कैब का इंतजार कर रहे थे। इतने में उनके सामने एक कैब आकर रुकी। उसमें से ड्राइवर नीचे उतरकर, सर नमस्ते, आई एम ड्राइवर रामजी फ्रॉम ऑलवेज लेट कैब्स, मतलब ALV कैब्स। थैंक यू, चलिए चलिए। एक मिनट, एक कैब में बैठने के पहले आपको कुछ रूल्स जानने होंगे। आपको पीछे की सीट पर ही बैठना होगा। मैं ड्राइविंग सीट पर ही बैठूंगा। अहमदाबाद पहुंचने की तक एक ही बार कार रोकूंगा, वहीं पर आपको टॉयलेट, खाना पीना सब निपटाना होगा। अच्छा ठीक है, देर हो रहा है, हमारी फ्लाइट मिस जाएगी तो परेशानी हो जाएगी। रुकिए रुकिए, आपका नाम, एड्रेस, आधार कार्ड, वोटर आईडी सब दिखाइए, नोट कर लेता हूँ। वो सब आपको क्यों चाहिए? अच्छा सवाल किया, अगर रास्ते पे कहीं एक्सीडेंट हो गया और ऊपर चले गए तो बचाने के लिए जो आए उन्हें आपके पहचान का पता कैसे चलेगा? फिर वे सारी जानकारी उसे दिए। अरे आप दोनों का नाम अरुण लता है, मतलब ALV, मतलब हमारे कंपनी का नाम ही। वेरी गुड, चलो याद है ना, पीछे की सीट पर ही बैठ सकते हूँ। कहा, फिर इस तरह वे सब निकले और गाड़ी बहुत धीरे से जा रही थी। जरा तेज चलाइए ना, अगर हमारी फ्लाइट मिस जाएगी तो परेशान होगी। तेज चलाने से खतरा होता है सर, अगर फ्लाइट मिस हो जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन अगर जान चली गई तो दोबारा मिलेगी क्या? कहकर धीरे से आगे जाते जाते एक जगह पर कार टायर पंचर हो गया। ओ शिट, लगता है कार पंचर हो गई। फिर जल्दी से उतरकर स्टेपनी बदल दीजिए भाई, हमें देर हो रही है। कहा, माफ कीजिए मैडम, मेरा काम सिर्फ ड्राइव करना है, ब्रेकडाउन डिपार्टमेंट अलग है, उन्हें फोन करके बताता हूँ, रुकिए। कहकर फोन लगाकर कार ब्रेकडाउन के बारे में बताया। फिर जाकर एक जगह पर नींद लेने लगा। काफी देर तक किसी के ना आने से घबराकर अरुण, अरे ओ भैया अब तक क्यों कोई नहीं आया, कब आएंगे? फोन लगाकर सिर्फ बताना मेरा कर्तव्य है, मुझे कैसे पता चलेगा वो कब आएंगे? प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज वेट। कहकर फिर अपने नींद में चला गया। कुछ देर बाद ब्रेकडाउन वाले आकर टायर स्टेपनी बदल कर चले गए। फिर से कार धीरे से चलने लगी। इसकी वजह से लता, ए चाहिए तो ज्यादा पैसे दे दूंगी, लेकिन कैब तेज चलाओ। मैम पैसों के लिए बिकने वाले में से नहीं हूँ मैडम, आई एम सॉरी। कहा, फिर वो दारू की बोतल निकाल कर दारू पीने लगा। ए क्या दारू पी रहे हो? तब से रूल्स कहकर पुकार रहे थे, पीकर गाड़ी चलाना मना है, ये नहीं पता? पी वर्ड का इनका। सॉरी सर, मैं दारू पीकर नहीं चला रहा हूँ, बल्कि पीते हुए चला रहा हूँ। और यू पी वर्ड कहकर नीचे मत गिराओ, हमें टैक्स पेयर्स कहते हैं, हमारी टैक्स बनने से गवर्नमेंट ये ब्रिज, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बना पाती है, समझिए सर। कहा, आखिरकार टैक्सी एयरपोर्ट पहुंच गई। हे भगवान, किसी तरह तो पहुंच गई, लेकिन बहुत देर हो गया है, भागते हुए अंदर जाकर पहुंचेंगे तो शायद हमारे लिए फ्लाइट रोकने की संभावना है। भाई कितना चार्ज हुआ जल्दी बताओ। कहा, 450 रुपये सर जी, ये लो 500 रुपये। लता चलो चलो, रुकिए इतनी जल्दी क्या है, मेरे पास 500 का चुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भैया, तुम ही रख लो टिप समझ कर। कहकर जाने ही वाला था कि रामजी ने उसका हाथ पकड़ लिया।
सर कहा ना, मैं पैसों से बिकने वाले आदमी नहीं हूँ। मुझे 450 से एक रुपया ऊपर नहीं चाहिए। एक काम कीजिए, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दीजिए, बराबर 450 रुपये। कहा, अबे ओ देर हो रही है, कहते जा रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ छोड़ो उनका। कहा, वे इस तरह बहस करने में ही फ्लाइट वहाँ से टेक ऑफ हो गई। वो देखकर अरुण लता गुस्से में उसे बहुत पीटे।